राम राम। हे मनुष्यन, अपनी चित्तवृत्ति संसार से हटा करके श्री हरि में लगा लो, अभी भी समय है। संसार में चित्तवृत्ति लगाने से कोई फायदा नहीं, अपने हरि में लगाओ, गुरुदेव में लगाओ। आप अपनी दिशा और दशा, चित क्या कर रहा है, ये आकलन करना है डेली डेली। खुद अपने न्यायाधीश बनो, आकलन करो, चित को स्वामी वासुदेव में लगाओ, कर्तव्य को उपासन व्रत मान लो। संत दर्शन दुर्लभ है, जब संत दर्शन मिले तो उनका साष्टांग प्रणाम करके तत्व की बातें पूछो। भाव का स्वरूप मैं नहीं है, हरि ही। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्रों ने पकड़ने के लिए भागवत बुद्धि चाहिए, नहीं तो शब्दावली समझ नहीं पाओगे। कहने का मतलब, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, जो तत्व भाव हैं, ये भागवत बुद्धि चाहिए, तभी ये समझ में आते हैं, अन्यथा समझ में नहीं आते। ये सब इनको भी मिथ्या बोल दोगे, ये भी मिथ्या है, भगवान श्री हरि मिथ्या है, ब्रह्म ही मिथ्या है। जब भागवत बुद्धि तत्वबोध गुरु द्वारा हो जाता है, तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसी में भक्त दृढ़ रहता है, उसी को सुनिश्चित करता है। जो धर्म है उसको धर्म ही कहेगा, अधर्म को धर्म नहीं कहेगा, वो तमोगुणी कहेंगे। जो अधर्म करेंगे बोले वो वही धर्म है। जो धर्म प्रवृत्ति मार्ग पर भागवत बुद्धि लेकर के बैठे हैं, वो धर्म को ही धर्म समझते हैं, अधर्म को अधर्म ही समझते हैं। यही अंतर है धर्म और अधर्म में। सभी को प्रणाम।